फैराडे लॉज क्या था कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज गिवन बाय फैराडे इन फॉर्म ऑफ टू लॉज. तो देयर वाज टू लॉज ऑफ फैराडे. फर्स्ट लॉ लॉ फैराडे. देयर वाज टू लॉ. फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का. ही स्टेट दैट दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ electricity passed through an electrolytic solution. ठीक है, सॉल्यूशन में से आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई. आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया था और इसको कनेक्ट किया था बैटरी से. ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल था. तो आपने कॉपर की मेटलर्जी में देखा था कि यहाँ पर जाकर कॉपर डिपोजिट हो रहा था. तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू हैव पास्ड एंड हाउ मच अमाउंट इज डिपोजिटेड ऑन दी इलेक्ट्रोड, उसके लिए उसने लॉ दिया. उसने एक्सपेरिमेंट किए बार बार और उसने कहा कि जो अमाउंट था सब्सटेंस का इट वॉज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द और क्वान्टिटी ऑफ द करंट. तो इफ W gram of substance deposit in passing Q coulomb of electricity, then he said W is directly proportional to Q, and as we know Q is equal to IT, so W is directly proportional to IT. W is equal to ZIT. जैसे ही आप प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाओगे तो यहाँ ये एक जेड आपको एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट यूज करना है. ये जेड यहाँ पर क्या है, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये जो था ये फर्स्ट लॉ था किसका, फैराडे का. ठीक है, अगर आप यहाँ से आपको जेड की डेफिनेशन देनी हो तो आप दे सकते हो कि इफ क्यू इज वन कूलॉम और I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second. तो W इसके बराबर हो जाएगा Z के बराबर. ठीक है, यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि एट द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 ampere इज पास्ड फॉर 1 second. ठीक है, दैट इज ऑफ अ क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 कूलॉम इज पास्ड. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड व्हेन यू पास 1 एम्पियर करंट टिल 1 सेकेंड. 1 सेकेंड तक अगर आप 1 एम्पियर की करंट पास करते हो तो जेड की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन अपने आप बनाकर लिख सकते हो. तो ये फर्स्ट लॉ था किसका, फैराडे का. लेकिन वहीं सेकेंड लॉ फैराडे ने क्या दिया कि सपोज करो कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोलिटिक वेसल नहीं है, हमारे पास
दो या तीन वेसल्स हैं जो सीरीज में आपस में कनेक्टेड हैं, तो व्हेन सम क्वांटिटी, तो तब जो अमाउंट होगा डिपॉजिटेड अमाउंट होगा वो कैसा होगा? क्या सभी वेसल्स के अंदर सेम अमाउंट होगा या अलग अलग होगा? जो सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा तो उन्होंने क्या कहा, व्हेन सेम क्वांटिटी, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन the weight of substance at electrode are directly proportional to their केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि हमारे पास यहाँ ये वेसल है, ठीक है, तीन वेसल या दो वेसल हैं, हमने इनको किसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोड में भी लगे हुए हैं उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आपने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपने जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब सपोज करो कि एक के अंदर आपने CuSO4 लिया हुआ है और एक के अंदर आपने AgNO3, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हुए, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक पास हो रही है क्योंकि एक ही बैटरी से दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना अमाउंट वो सब्सटेंस का डिपॉजिटेड होगा, तो अकॉर्डिंग टू देम वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एज, ये उन्होंने अपना सेकेंड जो है वो लॉ दिया, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट आजकल यूज नहीं किया जाता है, द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट किया हुआ है NaCl, ठीक है, तो जैसे ही आप इस NaCl को वाटर में डिजोल्व करोगे NaCl की स्प्लिटिंग होगी, ये अपने आयंस में टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, Na प्लस क्योंकि ये क्या है, कैटायन है एंड दिस इज एनायन, यहाँ पर आपने ये बैटरी से कनेक्ट किया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, कैटायन कहाँ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, रिएक्शन क्या होगी, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सूर्य में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कितना मोल, ये वन मोल है, ये भी वन मोल है, तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करेंगे, और यहाँ पर ये भी वन मोल, इसका मतलब वन मोल सोडियम डिपॉजिट होने के लिए कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने चाहिए, वन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन मोल इलेक्ट्रॉन। अब एज वी नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम एंड वन मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.023 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया वन मोल इलेक्ट्रॉन पर,
टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो अप्रेक्सीमेट वैल्यू आपके पास आएगी वो 96,485 कूलोम पर मोल आएगी। इसको हम न्यूमेरिकल के पर्पज़ से ये फिगर ना लिखकर ये हम चार्ज लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे सोडियम के डिपोजिशन के लिए, 1 मोल सोडियम के डिपोजिशन के लिए। या आप बोल सकते हो कि हमें 1 फेराडे, ये जो चार्ज आया है, ये जो कूलोंब में जो चार्ज आया है, यही इसके बराबर है 1 फेराडे के बराबर है, है ना। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 96,500 कूलोंब, ठीक है। तो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओगे तो आपके पास 1 मोल सोडियम डिपोजिट हो जाएगा। यहीं पर जो Cl- है, यहीं पर जो Cl- है, ये कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर, ठीक है। एनोड के ऊपर जाने के बाद अब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन, ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस Cl-, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा और ये Cl2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको 1 मोल क्लोरीन बनाना है, यहाँ ये देखो हाफ मोल बन रहा है जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको 1 मोल क्लोरीन चाहिए तो आपको इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर कितने मोल लेने होंगे, 2 मोल। और अगर आप इस रिएक्शन को लिखते हो तो यहाँ पर देखो हाफ मोल क्लोरीन बनेगी अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हो, पास कराते हो। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 2 फेराडे। तो इसका मतलब 1 मोल क्लोरीन को डिपोजिट कराने के लिए आपको 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरली जो चार्ज है एन मोल इलेक्ट्रॉन का, एन मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज हम लिख देते हैं, वो किसके बराबर होगा, NF, ठीक है। NF ऑफ फेराडे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने मोल हैं, ठीक है। तो एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी आपको चार्ज निकालना हो आप NF अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, और इससे इसी तरीके की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं।